तो दोस्तों वीडियो को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। आज की वीडियो में बात करेंगे अंडर प्राइस 15,000 रुपये तक के फ़ोन जो हैं। तो दोस्तों फ़ोन होने वाले हैं, कुछ 4G कुछ 5G फ़ोन होने वाले हैं। तो आज हम टॉप 10 फ़ोन अंडर प्राइस 15,000 रुपये, जो 10 से 15,000 रुपये की रेंज में है, उनके बारे में बात करते हैं। दोस्तों सबसे पहले फ़ोन के बारे में बात करते हैं, रेडमी नोट 10T। तो फ़ोन होने वाला 5G और प्राइस होने वाला 14,999 रुपये। तो दोस्तों यहाँ पर देखो साइज होने वाला है, स्क्रीन साइज 6.5 इंचेस, एंड्रॉयड 11 हो जाएगा, मीडिया टेक डिमेंसिटी यहाँ पर 700, तो काफ़ी बड़े होने वाला है फ़ोन रेडमी नोट 10T। मीडिया टेक की डिमेंसिटी 700, 5G प्रोसेसर होने वाला है, साथ ही में पावरफुल ऑक्टा कोर CPU विद कोर टैक्स क्लोड। दोस्तों डुअल 5G पिन प्लस फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले, 48 मेगापिक्सल बैक कैमरा होने वाला, साथ ही मैक्रो 2x8, 8 मेगापिक्सल का यहाँ पर ऑल सेल्फी कैमरा होने वाला, साथ ही में एवल डिज़ाइन तो काफ़ी बढ़िया होने वाला है, 3D कवर्ड बैक, 5000mAh की बैटरी होने वाली है इस फ़ोन में, UFS 2.2 फास्ट स्टोरेज होने वाली है, तो काफ़ी बढ़िया फ़ोन होने वाला है अंडर प्राइस 15,000 रुपये में। रेडमी नोट 10T 5G फ़ोन होने वाला है। तो दोस्तों दूसरे फ़ोन की बात करते हैं, फ़ोन होने वाला है पोको M3 प्रो, 5G फ़ोन होने वाला है। दोस्तों फ़ोन की ये लुक होने वाली है अंडर प्राइस, यानी कि जो 15,000 रुपये की रेंज में फ़ोन होने वाला है, पोको M3 प्रो 5G फ़ोन होने वाला है दोस्तों। तो प्राइस होने वाला है 14,499 रुपये, और यहाँ पर वेरियंट की बात करें तो 4GB रैम और 64GB मेमोरी होने वाली है, साथ ही में यहाँ पर मीडिया टेक का डिमेंसिटी 700, ओक्टा कोर 2.2 फास्ट प्रोसेसर, साथ ही में बैक कैमरे की बात करें तो 48 मेगापिक्सल का और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, 6.5 इंच की फुल HD प्लस डॉट डिस्प्ले, साथ में 5000mAh की बैटरी होने वाली, तो बैटरी काफ़ी बड़ी होने वाली है दोस्तों इस फ़ोन की, पोको M3 प्रो 5G, प्राइस 14,499 रुपये, वेरियंट 4GB 64GB, तो काफ़ी बड़े आप फ़ोन हो जाएगा अंडर प्राइस 15,000 रुपये में। देख सकते हो लुक भी काफ़ी बड़ी होने वाली है इस फ़ोन की, साइड फिंगरप्रिंट मिल जाएगा दोस्तों इस फ़ोन में। तो दोस्तों नंबर 3 पर जो फ़ोन होने वाला है हमारा रियलमी नार्जो 30, जो कि 5G फ़ोन होने वाला है, रियलमी नार्जो 30। तो फ़ोन की ये लुक होने वाली है दोस्तों, काफ़ी बढ़िया लुक होने वाली है, प्राइस होने वाला है 14,499 रुपये, वेरियंट होने वाला है 6GB रैम और 64GB मेमोरी के साथ। तो दोस्तों इसमें दो कलर मिल जाएंगे, साथ में मीडिया टेक का हेली G95 ऑक्टोकोर 2.05 फास्ट प्रोसेसर, और रियर कैमरे की बात करें तो 48 मेगापिक्सल का और फ्रंट कैमरा होने वाला है 16 मेगापिक्सल का, 6.5 इंच की फुल HD प्लस LCD इन सेल डिस्प्ले, और बैटरी की बात करें तो 5000mAh की बैटरी होने वाली है, तो काफ़ी बढ़िया फ़ोन होने वाला है रियलमी नार्जो 30 अंडर प्राइस 15,000 रुपये में। तो उस तो जाके नोटिफाई भी कर सकते हो, साइड फिंगरप्रिंट हो जाएगा इस फ़ोन में, टाइप सी चार्जिंग। तो दोस्तों नंबर 4 पर जो फ़ोन है हमारा वो है रेडमी 10 प्राइम। तो फ़ोन दोस्तों देख सकते हो काफ़ी बढ़िया लुक होने वाली है इस फ़ोन की, प्राइस होने वाला है दोस्तों 18, यहाँ पर इसका प्राइस होने वाला है 14,817 रुपये, वेरियंट होने वाला है 4GB रैम 64GB मेमोरी। दोस्तों दो कलर मिल जाएंगे इस फ़ोन में, तो यहाँ पर कैमरे की बात करें तो कैमरा होने वाला है 50 मेगापिक्सल का, 6.5 इंच की डिस्प्ले और 6000mAh की बैटरी होने वाली है। तो फ़ोन होने वाला है दोस्तों काफ़ी बढ़िया अंडर प्राइस 15,000 रुपये में। रेडमी 10 प्राइम डुअल सिम, साइड फिंगरप्रिंट मिल जाएगा दोस्तों इस फ़ोन में। तो दोस्तों नेक्स्ट फ़ोन है हमारा रेडमी नोट 10S। तो फ़ोन होने वाला है देखो काफ़ी बढ़िया लुक आप देख सकते हो, प्राइस होने वाला है 14,499 रुपये, और वेरियंट होने वाला है 6GB रैम और 64GB मेमोरी। दोस्तों अंडर प्राइस
15,000 रुपये में काफ़ी बढ़िया फ़ोन होने वाला है, साथ ही में एंड्रॉयड 11, रेडमी नोट 10s, 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा, तो कैमरों क्वालिटी काफ़ी बढ़िया होने वाली है। डिस्प्ले देख सकते हो आप यहाँ पर, सुपर एमोलेड डिस्प्ले हो जाएगी इस फ़ोन में। एवल डिज़ाइन मीडियाटेक का हेलियो G95 प्रोसेसर, UPS 2.2 स्टोरेज होने वाली है, डुअल स्टीरियो स्पीकर, फास्ट चार्जिंग, एलेक्सा प्ले सम डांस म्यूजिक, तो काफ़ी बढ़िया फ़ोन होने वाला है एंड प्राइस 15,000 रुपये में रेडमी नोट 10s। की बात करें तो फ़ोन होने वाला है Realme 8i, तो दोस्तों ये लुक होने वाली है फ़ोन की, काफ़ी बढ़िया लुक होने वाली है इस फ़ोन की। प्राइस होने वाला है 13,999 रुपये। वेरियंट रैम रोम यहाँ पर 4 GB रैम और 64 GB मेमोरी। मीडियाटेक का हेलियो G96 प्रोसेसर होने वाला है। और कैमरे की बात करें तो रियर कैमरा होने वाला है 50 मेगापिक्सल का और फ्रंट कैमरा होने वाला है 16 मेगापिक्सल का। 6.6 इंच की फुल HD प्लस LCD इन सेल डिस्प्ले, 5000 mAh की बैटरी होने वाली है, तो काफ़ी बढ़िया होने वाला है फ़ोन ये। मीडियाटेक हेलियो G96 120Hz अल्ट्रा स्मूथ डिस्प्ले, अप टू 11 GB डायनेमिक रैम, 18W की दोस्तों फास्ट चार्जिंग होने वाली है इस फ़ोन में Realme 8i, तो काफ़ी बढ़िया फ़ोन होने वाले हैं। अंडर प्राइस 15,000 रुपये में, प्राइस होने वाला है 13,999 रुपये। दो कलर मिल जाएंगे दोस्तों इस फ़ोन में, साथ ही में साइड फिंगरप्रिंट। दोस्तों नेक्स्ट फ़ोन है वो है सैमसंग M32, तो लुक होने वाली है दोस्तों ये फ़ोन की, तो काफ़ी बढ़िया फ़ोन होने वाला है। प्राइस होने वाला है 14,657 रुपये। वेरियंट की बात करें तो 4 GB रैम, 64 GB मेमोरी। मीडियाटेक के हेलियो G80 प्रोसेसर, साथ ही में कैमरे की बात करें तो 64 मेगापिक्सल का बैक कैमरा और 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। 6.4 इंच की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले होने वाले दोस्तों इस फ़ोन में और 6000 mAh की बैटरी, तो काफ़ी बढ़िया फ़ोन होने वाला है ये। सैमसंग गैलेक्सी M32, जाके नोटिफाई भी कर सकते हो दोस्तों। यहाँ पर 90Hz का रिफ्रेश रेट विद 1800 nits ब्राइटनेस के साथ, तो एंड्रॉयड 11, तो फ़ोन काफ़ी बड़े होने वाला है। अंडर प्राइस 15,000 रुपये में सैमसंग गैलेक्सी M30। तो नेक्स्ट फ़ोन है वो होने वाला है मोटरोला G40 फ्यूजन, तो काफ़ी बढ़िया फ़ोन होने वाला है ये लुक होने वाली है फ़ोन की। प्राइस जो होने वाला है 14,499 रुपये। वेरियंट होने वाला है 4 GB रैम, 64 GB मेमोरी, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 732G, ऑक्टा कोर 2.3 यहाँ पर प्रोसेसर होने वाला है, साथ ही में 64 मेगापिक्सल का कैमरा, 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, 6.78 इंच की फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले होने वाली है, 6000 mAh की बैटरी होने वाली है दोस्तों इस फ़ोन में, तो काफ़ी बड़े होने वाला है फ़ोन ये। स्मूथ एंड विविड डिस्प्ले, 120Hz यहाँ पर काफ़ी फास्ट डिस्प्ले, HDR10+, दोस्तों काफ़ी बढ़िया कैमरा क्वालिटी होने वाली है और बैटरी बैकअप भी काफ़ी बड़े होने वाला है। नियर स्टॉक एंड्रॉयड 11 मोटरोला G40 फ्यूजन, काफ़ी अच्छा फ़ोन होने वाला है दोस्तों। अंडर प्राइस 15,000 रुपये में ये लुक होने वाली है फ़ोन की, साथ ही में टाइप सी चार्जिंग और बैक में फिंगरप्रिंट मिल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट फ़ोन होने वाला है सैमसंग F22, तो फ़ोन की ये लुक होने वाली है, काफ़ी बढ़िया लुक होने वाली है। प्राइस की बात करें तो 14,999 रुपये दोस्तों। यहाँ पर 6 GB रैम, 128 GB मेमोरी दोस्तों। इसका दूसरा वेरियंट जो 464 वाला है वो कम प्राइस में है, जाके नोटिफाई भी कर सकते हो। दो कलर मिल जाएंगे। मीडियाटेक के हेलियो G80 प्रोसेसर, 48 मेगापिक्सल का बैक कैमरा और 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, 6.4 इंच की HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले होने वाली है इस फ़ोन में, 6000 mAh की बैटरी, डुअल सिम, तो काफ़ी बढ़िया फ़ोन होने वाले हैं। 90Hz का रिफ्रेश रेट, 6000 mAh की बैटरी, तो दोस्तों काफ़ी बढ़िया फ़ोन होने वाला है ये। अंडर प्राइस 15,000 रुपये में, जाके नोटिफाई कर सकते हो दोस्तों। दूसरा वेरियंट भी इसका चेक कर सकते हो दोस्तों। यहाँ पर लास्ट फ़ोन होने वाला है टेक्नो का, तो दोस्तों
प्राइस होने वाला है इस फ़ोन का 13,999 रुपये। एक बार फीचर्स की बात कर लेता हूँ दोस्तों, इस फ़ोन में क्या क्या मिलने वाला। तो दोस्तों ये लुक होने वाली है टेक्नो कैमन 17, प्राइस होने वाला है 13,999 रुपये। टेक्नो टाइम टू स्टैंड आउट कैमन 17, तो 6 गुड रीज़न फॉर कैमन। यहाँ पर 64 मेगापिक्सल का इसमें कैमरा होने वाला है दोस्तों, साथ ही में काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस इस फ़ोन का होने वाला है। सुपर नाइट शॉट, प्रोफेशनल वीडियो मोड्स, 180 हर्ट्ज़ टच सैम्पलिंग रेट होने वाला है, 6.8 की फुल एचडी प्लस डिस्प्ले, 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, हेली G85 प्रोसेसर होने वाला है इस फ़ोन में कैमन 17। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने बात की टॉप एंड प्राइस 15,000 रुपये तक के फ़ोन में, जो कि दोस्तों कुछ 4G हैं कुछ 5G फ़ोन है, तो जाके नोटिफाई कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और दोस्तों वीडियो को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो।